सो फ्रेंड्स, हम अभी निकल चुके हैं कोणार्क की तरफ और मेरे साथ मैं भैया हम लोग का मारुति जो पिकअप वैन चला रहे हैं, भैया बैठे हुए हमको लेके चलेंगे। भैया पैताले कितने बैठो अच्छी कटी पहुँची वहाँ पे? 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर कितने देर लगेगी वो? 40 मिनट लगेगी। तो जैसे भैया बोल रहे हैं 40-45 मिनट लगेगा। भैया अपना नाम था? मेरा नाम प्रदीप बेहरा। भाई इनका नाम प्रदीप बेहरा, लोकल यहीं के लोकल हैं, पूरी के बहुत दिन से गाड़ी इनका चल रहा है। तो भैया हम लोग को जब बताया कि बस लेट है, भैया बोले मेरा घर उधर है तो मैं छोड़ देता हूँ, तो भैया के लिए भी थैंक्स हम लोग बता रहे हैं। और अभी हम लोग चलते हैं दोस्तों, मैं आपका कोणार्क टेम्पल पहुँचने के बाद आपको टोटल डिटेल्स में अब बताऊँगा व्यू कैसा कोणार्क मंदिर का। तो इस वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहिए दोस्तों। जय जगन्नाथ। पीछे हमारे दोस्त और हमारे जो दो तीन जन आए हैं मेरे साथ, अमरेश, अंकित और आकाश, लोग बैठे हुए हैं। हेलो, सब बैठे हुए हैं। ये भी हमारे साथ अभी पूरी से निकले हुए हैं कोणार्क मंदिर के तरफ। दोस्तों अभी हम लोग कुशभद्रा नदी के आसपास पहुंच गए हैं, जो कि कोणार्क से 15 किलोमीटर के आसपास पीछे है। हम लोग 15 किलोमीटर के आसपास लगेगा और 15 किलोमीटर के बाद हम लोग पहुंच जाएंगे। तो चंद्रभागा जो बीच है वो भी बड़ा फेमस बीच है, वो लगभग 12 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। तो हम लोग अभी कोणार्क ही चलते हैं, उसके बाद देखते हैं प्लानिंग क्या करते हैं। टाइम अगर हम लोग का पास बचेगा तो हम लोग उधर भी थोड़ा टूर मार लेंगे। तो ये वीडियो में बने रहिए दोस्तों और थोड़ी देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं कोणार्क टेंपल। देख सकते हैं मेरा पीछे बैकग्राउंड आपको दिख रहा होगा। और ये हम लोग पूरी से निकले हुए थे 12:30 बजे करीब, तो 1:30 बज गया दोस्तों, 1 घंटे का सफ़र है। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। मैं पहले कभी आया नहीं दोस्तों, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है। तो देखते हैं, बहुत एक्साइटमेंट में है मेरे को क्योंकि मैं कभी आया नहीं। तो चलते हैं दोस्तों, देख सकते हैं ये बहुत बड़ा गार्डन है इधर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल प्लेस है। और ये आप सीधा अगर आप देखेंगे, ये सन टेम्पल है, सूर्य मंदिर, कोणार्क मंदिर भी कहा जाता है इसको। मैं आपको अभी पास लेके चलता हूँ और अंदर का जो पास से आपको टोटल व्यू दिखाऊंगा कि क्योंकि बहुत ही बड़ा मैंने मंदिर है और ये पुराने कारीगरी का एक मैंने जो बोलते हैं मिसाल है, क्योंकि ऐसा कारीगरी और अभी आज का डेट में देखने के लिए नहीं मिलेगा दोस्तों। तो ये वीडियो में बने रहिए दोस्तों। आप देख सकते हैं मंदिर पास ही आ गया, मैं आपको ये अभी बैक कैमरा से दिखाता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं मंदिर लोग नज़दीक आ गए हैं। देख सकते हैं दोस्तों ये अंदर का व्यू इतना सुंदर लग रहा है। देख सकते हैं दोस्तों ये कितना बढ़िया मंदिर का नज़ारा। और ये गार्डन वगैरह जो है, इधर किचन हुआ करता था उस टाइम के ज़माने में, अभी इसको गार्डनिंग किया गया है ब्यूटिफिकेशन करके। कितना सुंदर ग्राउंड बनाया गया है वगैरह लगाया गया है। अभी कुछ कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है दोस्तों, देख सकते हैं ये, देख सकते हैं दोस्तों ये टोटल अंदर का व्यू। इधर का लोकेशन आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर, यहाँ सब तरफ विजिटर घूम रहे हैं।
देख सकते हैं अभी दिन के दोपहर के ये 2:30 बज रहा है दोस्तों, फिर भी कितना भीड़ लगा हुआ है देख सकते हैं आप। यहाँ इंडिया के कोने कोने से विजिटर आते हैं और इंडिया बाहर से भी बहुत सारे विजिटर इधर विजिट करने के लिए आते हैं, क्योंकि ये बहुत पुराना और ऐतिहासिक मंदिर है। इसमें बहुत सारा जो हम लोग नहीं जानते हैं उस टाइम के ज़माने में जो काम किया गया है कारीगरी, उसको देखने के लिए आते हैं। इसका इतिहास बड़ा मज़ेदार है, सब ये अभी यूट्यूब में या गूगल में आप सर्च करके देख सकते हैं दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी सुंदर लग रहा है इधर का व्यू, गजब लग रहा है पूरा अंदर का व्यू। देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है मंदिर। यहाँ से जाने के लिए मन नहीं कर रहा है दोस्तों यहाँ से जाने के लिए, क्योंकि इतना बढ़िया मैंने सुना था और ये पहली बार मैं देख रहा हूँ। मैं अभी भी सोच में पड़ा हूँ कि उस टाइम में कुछ साधन ऐसा नहीं था कुछ हम लोग का, जो अभी टेक्निक यूज करके मशीन वगैरह नहीं था, फिर भी उस टाइम कैसे काम किया गया होगा, मैन पावर कितना लगे होंगे, ये पूरी ऐसे में बात है दोस्तों। उस टाइम कैसे मैन पावर लग के इतना बड़ा मंदिर को निर्माण या बनाया गया है, उनको एक्चुअली सैल्यूट करना चाहिए जो कारीगर बनाए गए थे, वो राजा जो बनाए थे। ये घड़ी का हम लोग को पता नहीं, ये जो पुराने ज़माने में इसमें टाइमिंग कैसे बताया जाता था, उन लोग का टाइमिंग कैसे जानते थे वो बताएंगे भाई। तो ये कोयला कीमती कौन था हिसाब दिला था? ये जो बड़ा स्पोक लाइट ये गोटे घंटा, मैंने तापर ये शरीर जो स्पोक लाइट थी सी होंगी डेढ़ घंटा। ये जो गोली लगी थी ये सेंटर ये सेंटर जाए जो 60 बॉल अच्छी गोटे बॉल को 3 मिनट तार जो एमती आंगुठी रखी पैया दिए तार छाईटा पड़े गणीदे कराइक टाइम आस ये हूँ सूर्य घड़ी। हाँ सूर्य घड़ी मान ये जो 8 मान आप कहे दिन राति हे ये हूँ आंटी क्लाप ये हूँ एपड़ घंटाटा आम कमी बुलू बुलू आंटी क्लो लगे। हाँ मैंने यार इसका जो घूमने का तरीका है आंटी क्लो लगे जाना आईटा से हिसाब से कैलकुलेशन आगुरी करते ना आगुरी आते घंटा घंटा किसी ना। हाँ तो यहाँ मैंने এটা মানে সেমানে সে মানে ছাইটা যেতলে পড়িবো তাঙ্গর তার এমতি আউটে রাখিলে ছাইটা যুট পড়িবো তা গণি দিলে করেক্ট টাইম আছে তোমার ঘন্টারে এপর ছোট হবে এতরে হবে মানে দেখতে সকতে সূর্য এ সূর্য ঘড়ি ইসলি ইসকো সূর্য মন্দির কাহা জাতা হ্যায় দোস্তো ইসকা মানে এ তো বিয়ন্ড ইমাজিন ইমাজিন কে বাহার হ্যায় হাম লোগ কা কিউকি উস জামানে মে কেসা সাইন্স লোগ ডেভেলপ করকে ই বানায়ে থে জো ছাও জাহা গিরেগা ওহিন সে ও ঘড়ি কা টাইমিং কা পতা করতে থে। तो ये काफ़ी गजब है दोस्तों देख सकते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों इसमें जो कारीगरी किया गया है, मूर्ति वगैरह जो बनाया गया है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि ये ऐसा जो कारीगरी आपको और कहीं मिलेगा नहीं। देखियो हम मोबाइल के किमती फटा हूँ भाई हेलो। सो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि हम लोग का जितना हो सके अभी हम लोग बैक करना है पूरी इवनिंग को, क्योंकि अभी हम लोग का कुछ काम है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कॉर्नर का, मैं जो जितना वीडियो आपको जितना व्यू दिखाया आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। और आप अगर आप इस चैनल में नए हो मेरे चैनल में तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जो आपका मेरा वीडियो जो आए उसको आप पहले आप देख सकें। तो फाइनली हम इधर से अभी निकलने का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।